ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। सरकार की आलोचना बर्दाश्त ना करने वाले इसे जरूर देखें। क्या पता आपका दिल मौत की बात सुनकर पसीज जाए और आप सवाल करने लगे। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सच बताना है। सच ये है कि 6 मई 2021 तक कोरोना से कुल 2,30,168 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। ठीक 2 हफ्ते पहले 22 अप्रैल 2021 कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 1,84,657 था। मतलब 2 हफ्तों में 45,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, यानी हर घंटे 126 लोगों को कोरोना और सिस्टम ने मार दिया। कोरोना के दूसरे वेव को आए 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर मदद की आवाज गूंज रही है। अब भी 3,000 की दवा 30,000 में मिल रही है। अस्पतालों में बेड के लिए तड़प जारी है और अब भी अस्पताल मरीजों की जान बचाए रखने के लिए अदालतों से ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए हम डिनायल मोड वाले सिस्टम से पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? एक सवाल जो हर चुनाव से पहले उठता है, इफ नॉट मोदी देन हु, मतलब अगर मोदी नहीं तो और कौन? लेकिन अब इस सवाल का जवाब क्या होगा? 2 हफ्ते से देश हांप रहा है, शमशान तप रहे हैं, अब इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन? मेरे सवाल से आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन अदालतों पर तो यकीन है ना? चलिए आपको अदालत ने क्या कहा वो बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीजों की मौत नरसंहार से कम नहीं। केंद्र सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है, ऑक्सीजन को लेकर आप पर अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। 4 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के चलते कोविड 19 के मरीजों की मौत होना अपराध और नरसंहार से कम नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सरकार बार बार दावा करती रही कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यूपी से दिल्ली आइए, सबसे हाई प्रोफाइल शहर। दिल्ली में आम आदमी से लेकर बड़े और छोटे अस्पताल अदालत से ऑक्सीजन दिलवा दीजिए कह रहे हैं। हाल ये है कि अदालत के कहने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसलिए अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो लिखित में इस बात का जवाब दे कि उन पर कोर्ट की अवमानना का केस क्यों चलाया नहीं जाए, क्यों केंद्र ने दिल्ली को आदेश के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की। हाईकोर्ट कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने को कहा था और 1 मई को हमने भी यही आदेश दिया था, फिर भी इसका पालन नहीं किया गया, आखिर क्यों? और तो और, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के अवमानना का केस वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। लेकिन हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली को रोजाना 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए केंद्र को एक मौका दिया जाए। दलील है कि दूसरा वेव आएगा पता नहीं था, लेकिन सवाल है कि पहले वेव से क्या सीखा, क्यों नहीं तैयारी हुई? जुलाई 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि कोविड अस्पतालों को पीएम केयर्स फंड के जरिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर मिलेगा। वो वेंटिलेटर कहाँ है? भारत में 15 अप्रैल से रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए कोविड 19 के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। बीते 4 महीने में ही 1 करोड़ संक्रमित मिले हैं, जबकि इससे पहले 1 करोड़ केस आने में 10 महीने लग गए थे। लेकिन इतने दिनों में तैयारी ढाक के 3 पात। अभी हाल ही में मीडिया ने उछल उछल कर खबर सुनाई कि पीएम केयर्स फंड से प्रभावित राज्यों में प्रेशर स्विंग वाले 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएगी सरकार। अब इस पर एक कहावत है, भोज के समय कोहरा रोपना। आप इसे ऐसे समझिए कि जब आपकी सांसें निकल रही हों तो मीडिया और सरकार आपको हेडलाइन देकर जिंदा रहने के लिए कहे। इस 551 ऑक्सीजन प्लांट के वादे से पहले यह भी जान लीजिए कि साल 2020 में 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के लिए पीएम केयर्स फंड से करीब 201 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 33 ही इंस्टॉल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई 2021 के अंत तक 80 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। अब जिनकी सांसें अटक रही हैं उन्हें कैसे कहें कि बैठक
समीक्षा, बातचीत, कोर्ट केस सब चल रहा है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे।